कफन पे मेरे पगों के चिन्ह हो चुके हैं। तेरे पर नाग, तेरे पर गरुण हमला नहीं करेगा, हमारी गेंद ढूंढ कर ला और फूल तोड़ कर ला, हमें स्वयं अपनी पीठ पर बिठा के बाहर ले चल। नाग फूल तोड़ के लाता है, गेंद ढूंढ के लाता है, भगवान यादवेंद्र सरकार मुरली मनोहर को स्वयं अपनी पीठ पर बिठा के बाहर आता है। यशोदा मैया चारों नागिनियों को ले, यशोदा मैया अपने कन्हैया को गोदी में लेकर छाती से लगा लेती हैं और नाग अपनी चारों नागिनियों को लेकर रमणद्वीप पर्वत की ओर चला जाता है। इस तरह से भगवान कन्हैया ने नाग का मान मर्दन किया, नाथा है, सभी ग्वाल बाल खुशियां मना रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर को यशोदा मैया गोदी में लिए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, हे राजा परीक्षित, बाबा नंद ने वो फूल पहुंचा दिए भोजराज कंस की कचहरी में, और जो फूल पहुंचाए हैं भोजराज कंस ने, ये देखा कि फूल तो आ गए, उसकी और चिंता बढ़ गई। इधर भगवत प्रेमियों, जितने ब्रज के वासी हैं सब देवराज इंद्र का पूजन करने जा रहे हैं। भगवान कन्हैया ने देखा कि इंद्र के पूजन की तैयारियां हो रही हैं, सभी के घरों में मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं। भगवान कन्हैया यशोदा मैया से पूछने लगे, मैया आज क्या बात है? मैया कि मैया रे आज नया उत्सव, और ये किस लिए मनाया जाता है? भगवान ने पूछा है, मैया सत्कारों का सामान सजाया जाता है? भगवान कन्हैया ने पूछा, मैया आज किनका स्वागत सत्कार होना है, किनके पूजन की तैयारियां हो रही हैं? बाबा नंद कहने लगे, लाला आज देवराज इंद्र के पूजन की तैयारी हो रही है। कन्हैया भगवान बोले, बाबा ये इंद्र कौन है? इंद्र पूजा लेने का कब से अधिकारी हो गया? ये अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी है बाबा, ये इंद्र पूजा लेने का अधिकारी नहीं है। जो तुम्हारी मदद इंद्र नहीं कर सकता, वो तुम्हारी मदद गोवर्धन पर्वत करेगा। तुम लोग गोवर्धन पर्वत का पूजन करो, गोवर्धन पर्वत का पूजन करो। भगवत प्रेमियों, क्या नाम है? ये माननीय श्री संजय भैया जी की धर्मपत्नी जी की ओर से भगवान के लिए एक पुष्पहार और 51 मुद्राएं भेंट हुई हैं। भगवान रक्षा करें आपकी, इनको प्रसाद दे दो। इंद्र के पूजन की तैयारियां होनी थी, लेकिन कन्हैया ने कहा कि वृंदावन के जितने लोग हैं सब गोवर्धन का पूजन करेंगे,
अनिरुद्ध यादव जी की ओर से 51 मुद्राएं आ रही हैं। भगवान के चरणों में भगवान रक्षा करें आपकी। लल्ला गोवर्धन यहां रखवाओ। ये गोवर्धन उठा के इधर रखो। सबसे पहले पूजन परीक्षित जी करेंगे, इसके बाद में ये जितनी भी दे जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। जितने देवियां हैं सब चले पूजन के लिए। ए सात शेर की करी करहिया, सात शेर की करी करहिया, सात शेर की करी करहिया, सात कोश की करी करहिया, सात शेर की करी करहिया। इतना याद रखियो गोवर्धन पूजन खाली हाथ नहीं करो, जा दक्षिणा दे जाते। ए सात कोश की करी परिक्रमा, सात कोश की करी परिक्रमा, मैं तो मानसी गंगा मानो।
और भगवान श्याम सुंदर स्वयं गोवर्धन में प्रकट होकर प्रसादी पा भी रहे हैं। बाहर मुरलीधर वही प्रसादी पा रहे हैं। श्री गोवर्धन करवा रहे हैं। तेरे गल पे जंती साजे मोर मुकुट शीश पे राजे, तेरे गल पे जंती साजे मुकुट मोर मुचर पे साजे। तेरी हुई रही जय जय कारे कारे, तेरे माथे मुकुट बिरा इस तरह से भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत का पूजन करवाया है। भक्तों, इधर पूरा दिन हो गया देवराज इंद्र को इंतजार करते, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। इंद्र ने पूछा कि ब्रजवासियों ने मेरा पूजन क्यों नहीं किया, तो कहने लगे हैं देवता लोग, महाराज अब तुम्हारा पूजन नहीं होगा, अब ब्रजवासियों ने तुम्हारा अपमान किया है और उन्होंने गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया है, गोवर्धन पर्वत का पूजन किया है। ये बात सुनते ही भगवत प्रेमियों क्रोध में आ गया देवराज इंद्र। उसने आदेश दिया, मेघों को बुलाया और कहा, मेघों जाओ ब्रजमंडल पर महाप्रलय फैला दो, महाप्रलय फैला दो ब्रजमंडल पर। मेघ कहने लगे, कैसे महाराज? तो बता रहा है देवराज इंद्र, कानों के पर्दे फट जाएं, गुमलाव इतनी जोरों से कम पृथ्वी के परत पलट जाएं, और नामो निशान बाकी न रहे, एक ही बार के कड़के पर और चमका कर बिजली प
इंद्र ने मेघों से कहा जाओ इतनी ताकत से घेराओ कि कानों के पर्दे फट जाएं, गुमराह इतनी जोरों से पृथ्वी के परत पलट जाएं, नामो निशान बाकी न रहे एक बार के कड़के पर, चमका कर बिजली बरसा दो उस नंद ग्वाल के लड़के पर। जाओ ब्रजमंडल में महाप्रलय फैला दो। भगवत प्रेमियों चल पड़े। इंद्र का आदेश पाते ही चल पड़े हैं। काले नीले सफेद लाल बादल पर बादल आने लगे, चमकने लगी उन चास पवन सन्नाने लगे, परीक्षित महाराज चारों तरफ से काले नीले सफेद लाल बादल पर बादल चढ़े आए, बिजली तड़पने लगी, बादल गरजने लगे, मूसलाधार पानी बरसने लगा, आंधी तूफान आया है इतनी तेजी से कि जितने भी ब्रजमंडल के लोग हैं सब त्राही त्राही माम करने लगे। जानते हो क्या दशा हुई ब्रजमंडल की? इतना पानी बरसा है मूसलाधार कि सारा ब्रजमंडल जलमग्न हो गया। छत बैठती जाती है और दीवारें फटती जाती है, चर चर कर पेड़ फट रहे हैं, बर्फ की सिलाई कर पेड़ फट रहे हैं, बर्फ की सिलाएं आ रही हैं, और खेती बाड़ी सब चौपट है, भूतल पे भूचाल दिखाता है, हमने कहा तुम्हें पता नहीं अब कौन कहां को जाता है, परीक्षित महाराज खेती बाड़ी चौपट हो गई, भूतल पर भूचाल दिखा रहा है, छतें बैठती जाती दीवारें फटती जा रही हैं, चर चर कर पेड़ फट रहे हैं, बर्फ की सिलाई आ रही हैं, सारे ब्रजवासी कन्हैया के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे, श्याम ये आपने क्या करवाया है? आपने अगर गोवर्धन का पूजन न करवाया होता तो इंद्र नाराज नहीं होता, अब बताओ हम सब की रक्षा कौन करेगा? भगवान कन्हैया बोले तुमने अगर इंद्र का अपमान करके गोवर्धन का पूजन किया है तो गोवर्धन तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम चलो हमारे साथ। और भगवान कन्हैया पहुंचे और जाते जाते कहा करो भगवान ने, अरे मुरलीधर भगवान ने माय पलकी देर लगा, संग में गोवर्धन पे पहुंचे जाई, गोवर्धन के पास पहुंच गए ब्रजवासियों को लेकर भगवान कन्हैया। क्या किया भगवान ने? महाराज प्रभु ने पर्वत लियो उठाई, गोवर्धन के नीचे सब ब्रजवासी
कन्हैया लेकर के सभी ग्वाल बालों को वहां पहुंचे हैं। भगवान कन्हैया ने डेढ़े हाथ के छंगली अंगुली पर भगवत प्रेमी गोवर्धन को उठा लिया है और सारे ब्रजवासियों को पर्वत के नीचे बुला रहे हैं। और कैसे बुला रहे हैं भगवान, कह रहे हैं ब्रजवासियों तुम सब लोग आ जाओ, के नीचे आ जाओ, गोवर्धन नीचे आ जा। अरे क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, गोवर्धन के नीचे आ जा, भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। मेरे पर्वत नीचे आ जा, गोवर्धन नीचे आ जा, आ जाओ, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, पर्वत के नीचे आ जा, भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। मेरी यशोदा मैया भीगे, मेरी यशोदा से भगवान कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों को नीचे बुलाया पर्वत के। दामा मनसुका मदन बलबीर सदामी सब आए, यशोदा मैया कान लगी हैं।